नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां रतलाम जिले के पास ग्राम कुशलगढ़ में मलेनी नदी में अचानक से पानी आ गया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि 8 से 10 दिन तक बारिश नहीं हुई है और आज गांव के समीप मलेनी नदी में अचानक पानी का बहाव बहुत तेज देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह नजारा पहली बार देखा है कि बिना बारिश के पानी आया है। उन्होंने कहा कि यह तो एक चमत्कार सा लगता है। अचानक पानी आने से ग्रामवासियों में काफी उत्साह है और लोगों ने गंगा मैया की जय जयकार करी। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि ग्रामीण एसपी के द्वारा जयपुर ग्रामीण में अवांछित गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन हाईवे चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि 3 माह पूर्व थाना क्षेत्र के हस्तेड़ा के पास एक टैक्सी गाड़ी किराया कर गाड़ी के ड्राइवर को लूटने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद सीओ संदीप सारस्वत के नेतृत्व में टीम का गठन कर लूट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उनसे लूटे हुए 18,200 रुपए नगद व आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुकेश शर्मा निवासी मालवीय नगर जयपुर, जो कि उबर टैक्सी के चालक हैं, इन्होंने रिपोर्ट गोविंदगढ़ थाना में आकर कराई थी कि 2 व्यक्तियों ने जयपुर से एक कैब बुक की और कैब बुक करने के बाद खाटू श्याम जी चलने के लिए इन्हें कहा तो हस्तेड़ा के पास आकर, जो गोविंदगढ़ इलाका में पड़ता है, हस्तेड़ा के पास आकर इन्होंने इस कैब चालक को रुकवाया और इससे मारपीट करनी प्रारंभ कर दी और इससे कैब छीनने का प्रयास करने लगे। जब इसने शोर मचाया तो आसपास के लोग आने लगे तो इन्होंने इसके जेब में जो 18,200 रुपये थे वो छीन कर और इसके ड्राइविंग लाइसेंस और RC को लेकर ये व्यक्ति फरार हो गए। और फिर इन्होंने अगले दिन आकर थाने में इसकी रिपोर्ट दी तो इसके संबंध में इसकी जो घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय शंकरधर शर्मा जी ने हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को इस घटना का जल्द से जल्दी खुलासा करने का निर्देश दिया और इस संबंध में मेरे सुपरविजन में थानाधिकारी गोविंदगढ़ विक्रांत शर्मा की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया और ये व्यक्ति जिस नंबर से इन्होंने कैब बुक कराई थी उसको बंद कर चुके थे। तो हमारी टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी आसूचना के आधार पर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही व्यक्ति जो है ये करौली के रहने वाले हैं। इनका नाम है मनराज गुजर, जो कि करौली के धनाता लालसर गांव का रहने वाला है और दूसरा शीशराम गुजर, जो करौली के धनाता लालसर गांव का निवासी है। और अभी इनका पुलिस कस्टडी न्यायालय से मांगी जाएगी ताकि इनकी शिनाख्त परेड और बाकी बरामदगी का जो कार्य है वो किया जा सके। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आज प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेहटी के प्रसिद्ध देवी धाम माँ विजयासन सलकनपुर परिवार के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में नीम के पौधे का भी रोपण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंदिर में और क्या सौंदर्यीकरण किया जा सकता है इसे लेकर विभिन्न विभाग के PS के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें प्रदेश और बुधनी विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपूर्ण विकास हो रहा है और अभी अपना रोड्स के मामले में अभी बुधनी से लेके नसबागंज तक ये एक अलग किसी रोड को बनाएंगे, बाईपास वगैरह भी इस पर बनेंगे और भोपाल जाने के रास्ते में जो अभी सिंगल लेन रह गया है होशंगाबाद भोपाल वाला, वो भी अद्भुत रोड बनेगा वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हुए, अंडर पास जिसमें वन्य प्राणी जा सके और बाकी सारी व्यवस्थाएं करते हुए उसको भी बनाया जाएगा। बाकी क्षेत्र के रोड वैसे भी बाकी सारे बनेंगे। नसबागंज से सीहोर की अभी स्थिति ठीक नहीं है, उसको भी सीमेंट कंक्रीट रोड के रूप में स्वीकृत कर दिया है, वो भी शानदार रोड बनेगा। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए SP राजन दुष्यंत ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिला स्पेशल टीम के साथ समन्वय स्थापित कर अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को पकड़वाने वालों का सम्मान किया जाएगा। वहीं SP ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए। इस दौरान ASP सईराम बिश्नोई, CO अरविंद बेरड, RPS नरेंद्र पुनिया मौजूद रहे।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। आपको बता दें कि कुल 31,228 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। जानकारी के अनुसार पहले जहां आमजन वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहा था, लेकिन आज यह स्थिति बदल चुकी है। जिले के लोग बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के और बिना किसी दबाव के खुद आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले को निदेशालय से कोविशील्ड की 27,330 डोज मिली थी, जिसके बाद शनिवार को 179 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया और 31,000 से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड की डोज लगाई गई। उन्होंने कहा कि यह जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग सहित जिले के सभी लोगों के संयुक्त प्रयास का ही परिणाम है कि आज वैक्सीन अगले दिन के लिए नहीं बच रही है। साथ ही आमजन में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैल रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।